दोस्तों, जब पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो मेरे लिए उनको भरोसा दिलाना ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमेशा से खासकर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट होते हैं, खासकर जो पेट रोगी होते हैं, आप इस तरीके से समझिए कि जब वो आते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो इतने सारे जगह से इलाज करा करा कर थक चुके होते हैं, तो उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि वो कभी ठीक हो सकेंगे। डॉक्टर्स का भी साफ सुधरे अल्फाजों में ये कह देना होता है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है और ये मेंटल डिसऑर्डर है। एक तरीके से आपको अपने दिमागी हालात पर काम करना होगा, आपको अपने दिमाग के हेल्थ पर काम करना होगा। लेकिन लोग साफ साफ आकर ये बोलते हैं कि सर, किसी भी प्रकार का कोई भी एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं रहता है, पेट को लेकर ही हम लोग ज़्यादातर एंग्जाइटी और डिप्रेशन स्ट्रेस बनाते हैं। लेकिन हमेशा डॉक्टर का यही कहना होता है कि आप किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी या स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, इस वजह से आपको इस तरीके के बॉवल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती कि आपके मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर केसेस में दोस्तों ये होता है कि उनको ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट से शुरू होती है। जब पेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा होता, उस वजह से आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका आप स्टार्टिंग में अंदाज़ा नहीं लगा पाते, क्योंकि आपके साथ वो सारी चीज़ें थोड़ा नई तरीके से होती रहती हैं। इस वजह से आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ ये जो सारा एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसका मेन कारण क्या है, हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कुछ दिन वो दवाइयाँ देता है लेकिन उससे कोई भी आराम नहीं होता है। आप फिर आपका जो डॉक्टर्स का चेंज करने का जो सिलसिला होता है वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन आप 10 15 20 25 डॉक्टर्स चेंज करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं होता है, वहीं पर आपके कई साल बीत चुके होते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत चुके होते हैं। फिर लास्ट में जब आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास दिखा दिखा कर थक चुके होते हैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोल देता है आप जाइए साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। फिर जब आप साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं तो साइकेट्रिस्ट बोलता है कि ये बीमारी जो है ये साइकोलॉजी बेसिस पे है, आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं रह रहे हो, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर कोई टेंशन है, जिस वजह से ये सारी समस्या जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं इसी के थ्रू है। लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो लोग कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल गलत तरीके से रहती है, गलत तरीके से मतलब ये है जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा उछल कूद वाली ज़्यादा होती है, जो लोग विदाउट बेल्ट जिम करते हैं, या फिर जो लोग ज़्यादा ही एंग्जाइटी डिप्रेशन लेते हैं, उनको भी ये दिक्कत देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। जो लोग खेत में काम करते हैं, खाली पेट भारी सामान उठाने वाला, जैसे कोई बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि 8-10 हज़ार पे नॉर्मली किसी भी शॉप पर जॉब कर रहे होते हैं, किराना स्टोर हो सकता है या फिर कोई फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। उनमें बहुत सारे अपने पुलिस भाई भी हैं, बहुत सारे फौजी भाई भी हैं जो कि वो तैयारियाँ करते रहते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम होती है। तो यही सारे कारण हैं जो कि इनको ये दिक्कत होती है। लेकिन ये साइकेट्रिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी बहुत सारी दवाइयाँ खा खा कर वो पक चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो सोचते हैं कि अब वास्तविकता में डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ये आपका मेंटल डिसऑर्डर के थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वास्तविकता में इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस चीज़ को गलत ठहराते हुए हम लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और अब तक हम लोगों ने 13-14 हज़ार से ज़्यादा लोगों को इन कुछ बीते 4-5 सालों में किया। और ये सिलसिला हमारा वहीं पर नहीं रुका, ये कंटिन्यू जारी है और हो सकता है ये फ्यूचर तक जारी रहेगा, जब तक हम सारे IBS IBD वाले पेशेंट को इस भारत देश से ख़त्म नहीं कर देते। तो इसमें मेन प्रॉब्लम्स जब आती है वो चीज़ आइए समझते हैं। जब पेशेंट हमारे पास नया आता है तो उसको भरोसा दिलाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर्स या फिर बहुत सारे ऐसे एक तरीके से दवाइयाँ वो खा खा कर परेशान हो चुका होता है, जिससे उस ये चीज़ 100% मेंटल एक तरीके से अपना सर्कल बना लेता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कभी ठीक नहीं हो सकती, हम चाहे जितना दवा खा लें, चाहे जितने डॉक्टर को दिखा लें। तो फर्स्टली वहाँ पर भरोसा देना होता है। तो जब हम उनको भरोसा देते हैं तो हमारा 50% का जो काम होता है, जब उसे भरोसा हो चुका होता है तो वो 50% का काम वहीं पर पूरा हो चुका होता है। लेकिन अगर वो 50% शुरू में ही वो चीज़ एग्जॉर्व नहीं करता है, नहीं समझ पाता है, तो ये प्रॉब्लम पूरी की पूरी बची रह जाती है और वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो जो पेशेंट आते हैं सबसे पहले हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आपको
हमारी जो भी बातें हैं उसको फॉलो करना है लगातार, जिस तरीके से हम उनका काउंसलिंग करते हैं, जिस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल हम लोग ठीक करते हैं, जिस तरीके से उनको स्पेशल एक्सरसाइजेस बताते हैं, जिस तरीके से और भी चीज़ें उनकी करते हैं ताकि उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके, अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो वो दूर नहीं होते। तो इस वजह से फर्स्टली उनको मेंटली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जब वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, जब उसके माइंडसेट हम बना देते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप ठीक हो जाएंगे, अगर वो चीज़ें सारी फॉलो करता है तो ठीक हो जाता है। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, ये ऐसे ही एक बंदे की है जो कि अभी हाल में 3-4 महीने हो रहे हैं वो इस प्रॉब्लम से ताज़ा अभी प्रॉब्लम में आया है, और वो इस 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका है। तो दोस्तों आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इनकी जो एक्सपीरियंस रहा है, बस 1-2 लाइन में ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जब शुरू में आए इनको हमने भरोसा दिलाया कि आने वाले कुछ ही समय में आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये 3-4 महीना ही है। तो ये इनको ट्रीटमेंट लेते मात्र केवल 10 दिन हो रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा आराम है। ये बोल रहे हैं कि इनको 50-60% काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। ये खुशी मेरे पास कॉल किए थे, जो कि मैं आपको इनकी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप जब भी हमारे पास आइए थोड़ा धैर्य रख के आइए और चीज़ों को मानिए। अगर IBS से जूझ रहे हैं तो 100% वो सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको वो चीज़ें जो हम बताते हैं उसको बेहतर तरीके से फॉलो करनी है, और आपको एक तरीके से जो आपका माइंड सर्कल में ये चीज़ें बन गई हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं होती, इसको आपको ब्रेक करना होगा। जो चीज़ें हम कॉल के स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग के दौरान बताते हैं वो सारी चीज़ आप फॉलो करिए, और उस चीज़ को अगर उसी टाइम समझ जाते हैं तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आराम सेम टाइम हो जाता है, और आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में आप पूरा का पूरा ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते तो आप काम नहीं करेंगे। इससे हमारा समझाने का मतलब ये है कि अगर आपको चीज़ों पे भरोसा हो जाता है कि आगे आने वाले 3-4 महीने अगर ये चीज़ें कंटिन्यू मेरे साथ बरकरार रही तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, और अगर आप शुरू में ये आपने माइंडसेट बना लिया कि ये चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी, तो आपको जो हम बताएंगे वो आप फॉलो ही नहीं करोगे, क्योंकि आप फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होइए, उसके बाद जो चीज़ें बताते हैं उसको फॉलो करिए, फिर तीसरा स्टेप आपका जो प्लस पॉइंट है ये है कि आप ठीक हो जाएंगे। तो बस 3 स्टेप्स हैं दोस्तों। फर्स्टली आपका जो माइंड सर्कल है, निगेटिविटी माइंड सर्कल बना के रखो, इसको पहले ठीक करिए, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, उसके बाद बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करिए, उसके बाद फिर आप ठीक हो जाइए। बस यही सेम 3 स्टेप अगर फॉलो आप कर लेते हैं तो 100% इन भाई के तरीके, जिस तरीके से इन्होंने बड़ी तेजी से रिकवरी यहाँ तक कर ली है, और आने वाले बस 10-15 दिन का इनका गेम है जो कि पूरा ये ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप भी पूरा का पूरा ठीक हो सकते हो। हमारे पास जब भी आप आओ, थोड़ा समय लेकर आओ, धैर्य रख के आओ, ठीक हो जाओगे। अगर कोई ये दावा करता है आपको 1 टेबलेट में वो ठीक कर देगा, 2 दिन में आपको इस समस्या से बाहर निकाल देगा, या आपको 10-12 दिन में इस प्रॉब्लम से पूरा का पूरा जड़ से बाहर निकाल देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। आप उसके झांसे में मत आइए, क्योंकि हमारे पास जो लोग आते हैं उनको थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है, लेकिन वो पूरा इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। इसको ठीक होने में कुछ समय ही लगता है। मैं इन भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनको 10-12 दिन में जो इतना रिजल्ट मिला इसलिए मिला कि इनका ज़्यादा प्रॉब्लम पुराना नहीं था, ये लगभग 3-4 महीने से इस प्रॉब्लम में थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई। लेकिन अगर आपकी समस्या सालों हो गई है तो आपको ठीक होने में कम से कम, अगर 1 साल पुरानी हो तो कम से कम 2 महीने, और अगर 2 साल पुरानी है तो कम से कम 3 महीने, अगर 3 साल पुरानी है तो कम से कम 4 महीने। तो इसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 10 साल से इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 11 महीना लगेगा, मैक्सिमम 6 महीने में 20-25 साल पुरानी प्रॉब्लम सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। हम इतनी तेज़ी से उसको रिकवर अप कर देते हैं, लेकिन जो जिनका 1-2 साल है उनको कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। तो आप इनकी कहानी सुनिए, उसके बाद आपसे यही गुजारिश रहेगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल सके और आपको एक भरोसा और कॉन्फिडेंस हो सके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इस स्टोरी को पूरा का पूरा आप सुन लीजिए। हेलो, आप आवाज उसपे ना प्रॉपर आवाज ही आपकी ढेर चीज नहीं सुनाई दी है, इस वजह से ना मैंने डायरेक्ट कॉल किया। तो अभी मुझे आप शुरू से बताओ, अभी 5 मिनट के लिए मैं फ्री हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब नहीं, मुझे पहले मुझे ये बताओ कितने दिन से दिक्कत थी आपको ये? ये मुझे सितंबर में शुरू हुई भैया, एंड में सितंबर। अच्छा, अभी स्टार्टिंग ही है ना? हाँ, 25 सितंबर को स्टार्टिंग में जिम करता था और मैं बड़ा गेन किया हुआ था अपने मसल्स और वगैरह सब कुछ, तो मैंने डेडलिफ्ट लगाई वहाँ पे।
और उसके बाद मुझे दिक्कत शायद उसी से शुरू हुई, पता नहीं अब क्या कह सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लीवर पे थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई, पर वो ठीक होगी थोड़े दिन में। पर अच्छा उसके बाद मुझे डाइजेशन की दिक्कत होगी। हाँ डाइजेशन की दिक्कत ऐसी हुई कि डाइजेशन मतलब एक तो खाने के भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, भूख बिल्कुल मतलब ऐसे था, खाना तो खा रहा था पर रुचि नहीं थी खाने में, मतलब दिल नहीं करता था खाने का। और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन बहुत था, ऐसे सुबह आते है थी मतलब फ्रेश होने के लिए, पर अच्छी तरह से आती नहीं था पेट। और गैस बड़ी बनती थी, और दिल बड़ा मतलब ना वो नौजिया सा, बस वॉमिटिंग सेंसेशन, और और एंग्जायटी डिप्रेशन वगैरह का क्या कंडीशन था? एनजाइटी तो बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो ये ठीक है, बताइए, मतलब अभी अभी कितने दिन पहले आप आए थे मेरे पास? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? तो 10 दिन में अभी कितना आराम है आपको, कितना परसेंट? मान लीजिए 50% तो है, 50 से ज्यादा ही कह सकते हैं। 50 ज्यादा ही, तो 10 दिन केवल। हाँ, अब ये सोचो, मैं हाँ। यही कह रहा था कि यार देखो, जो फेक काम करते हैं ना, उनके अमाउंट ज्यादा होते हैं। जो जेन्युइन मार्केट में काम करता है, अभी इस प्लेटफॉर्म पे तुमको यूट्यूब पे तुम पूरा यूट्यूब छान लेना, मैं दावा कर रहा हूँ, तुम पूरा छान लो। देखो अभी 10 दिन का तुमको एक तरीके से एग्जाम्पल मिल गया ना, इस वजह से ये बात मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं जो फ्रेश बंदा होता उससे तो ये बात भी मैं नहीं करता कि भाई उसको अभी भरोसा कहाँ हुआ है, अभी वो ट्राई ही नहीं किया है जो चीजें मैं बताऊँ, मतलब जो चीजें मैं बताता हूँ उसको फॉलो उसने किया ही नहीं है, तो उसको भरोसा कहाँ से होगा? तो अभी भरोसा वाली बात ही मत करो, अभी तो पहले उसका स्टार्ट हुआ। अभी बिल्कुल। देखो, अभी 10 दिन आपने स्टार्ट किया, 10 दिन हो गए करते हुए, तो उससे क्या एक्सपीरियंस मिला ये बताओ। ये बड़ा मुझे एक चीज पता लग गई कि ये जो चीज है ये यहीं से ठीक हो सकती है, हाँ, योगा बाकी मतलब से, जो मेडिटेशन से, ये चीजों से ठीक होती है चीज, क्योंकि आपकी मसल्स वीक हो जाती है और कुछ और नहीं का हो रही है अच्छा है, मुझे आपके ये पेट बताइए की। कि कहाँ कहाँ इलाज कराया था अब तक? मैंने तो बस थोड़ा बहुत था, क्या कहते हैं वो, एलोपैथी का थोड़ा बहुत, और अभी तो पर स्टार्ट, स्टार्टिंग ही था, 3 4 महीने हुए आपको। हाँ 3 महीने हुए थे अभी स्टार्टिंग में था, और तो मुझे पता लग गया था कि मुझे ये दिक्कत ऐसी ही है कुछ कुछ, मुझे अंदर की वो दिक्कत आ रही है, इतना लोग मोटा तीस शौक तीस था मैं। साल पुराने लोग आते हैं, आधी जिंदगी खत्म कर देते हैं इसी में। अच्छा जी, अच्छा हाँ, खत्म कर फिर देते वो हैं, भी। तब आते हैं वो एकदम हैरान परेशान होकर। उनको भरोसा जब नहीं होता तो देखो क्या होता है कि वो पूरे दुनिया का दौरा कर चुके होते हैं, एक से दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, बड़े बड़े IMMS वगैरह हॉस्पिटल, जितने भी दिल्ली के बड़े मतलब कि हॉस्पिटल्स हैं, जितने लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल हैं, अदर मतलब कि कंट्रीज में भी निकल जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, यहाँ तक जिनके पास बहुत पैसा था अमेरिका, लेकिन कहीं पे इसका इलाज दवा वगैरह में है नहीं, फिजूल में वो लोग भागा दौड़ी करते हैं और लास्ट में थक जाते हैं। उसके बाद फिर यही बोलते हैं कि यार ठीक नहीं होता ये बीमारी, मानसिक प्रॉब्लम है। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि इसी पे काम करो, और वो पूरी जिंदगी खत्म कर देता है इसी में खत्म कर देता है भाई, वो 30 30 साल खत्म हाँ हो पर जाता है मैंने उसको पति में। आपका पर मैंने आपकी अभी वो देखो, वीडियो देखी है, वो भी का 20 साल बहुत का। सही टाइम पे आपने वीडियो देखी और बहुत सही टाइम पे आ गए, जिंदगी पूरी बच गई आपकी। चलिए 3 महीना कोई बात नहीं, बहुत कम ही टाइम को देखो, लेकिन लोगों को मैं बता बता रहा हूँ कि पहले जब आता है बंदा ना, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है, उसको भरोसा नहीं होता कि यार इतने कम मतलब कि फीस में कैसे ठीक करेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों का यही रहता है, यार इतने कम फीस में कैसे, वो बड़ा बहुत हैरान होता है भाई वो। तो उनसे बस यही वही कहता बात हूँ है। भाई, देखो मैं क्या है कि कोई दवा वगैरह नहीं देता, पहली बात तो दवा वगैरह नहीं देता, तो फिर तुम्हारा फीस किस चीज का लगना है मुझे ये बताओ। हाँ, कोई चोर फरार होगा तो भाई तुमसे मांगेगा भाई 20 20 हज़ार भेजो, 30 हज़ार भेजो, तब मैं तुमको इसका इलाज बताता हूँ। तो और वो भी, वो ठीक भी नहीं करता पाता भाई, वो क्या बोलता है पता है, उसमें नींद वगैरह की दवा भेज देता है वो, उसके बाद कहता है खाते रहो। तो ढेर ऐसे एक विकास गुप्ता करके एक यूट्यूबर, पता है मुझे, वो माइंड की दवाई देता रहता हाँ, है। वो क्या करेगा, 10 10 12 12 15 15 20 20 हज़ार रुपये मंगा लेगा, 1 महीने नींद की दवा देगा, ऐसे देते देते लोगों से 50 60 हज़ार रुपये लूट लेता है, तब तक लोगों के 6 महीने 8 महीने 1 साल बीत चुके होते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं कि यार इसके पास इलाज करा रहा था भाई, इसने भी मुझे बहुत भरोसा दिलाया था कि ठीक कर दूंगा ठीक कर दूंगा, लेकिन इसकी दवा से कुछ ठीक नहीं हुआ, इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया भाई, अब फिर तुम भी एक यूट्यूबर हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ, तुम भी वही काम। तो मैं उनको साफ साफ बता दूं भाई, देखो अगर ये बात है तो भाई तुम भी एक तरीके से तुम भी मुझे फेक ही चलो समझ लो, कोई बात नहीं, तुम फेक समझ लो, 200 लेकिन रुपये में मेरा कौन फीस फेक क्या है, होगा। मेरा फीस क्या है, मेरा फीस 200 300 रुपए है ना केवल नॉर्मली, तुम ये 300 खर्च कर लो, उसके बाद तुमको खुद रिजल्ट मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो समझ लो ये भी फेक था, 300 रुपये मेरे गए, बस यही 300 तुम्हारा नुकसान होगा ना अगर मैं फेक हुआ तो। तो मैं उनके उनके हिसाब से ही बोलने लग जाता हूँ भाई, अब क्या करूँ, देखो डायरेक्ट यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता है, तो मैं बोल देता हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रखो,
और अपॉइंटमेंट लो और मुझे अपना कंसल्ट करो पहले। सारी चीज़ें मैं डायग्नोज करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। उसके ट्रीटमेंट के कुछ वैसे दिन बाद मेरी ही उनको, सर ट्रीटमेंट के कुछ दिन बाद ही उनको रिजल्ट मिलना शुरू ही हो जाता है भाई। वो 10-12-15 दिन में ना शुरू हो जाता है, उसको लगने लगता है कि नहीं कुछ तो है ठीक, जो कि बेहतर होना शुरू हो गया है। जब देखे देखते हैं जो ज़्यादा पुराने ठीक होते हैं, 10 साल 12 साल, है 3-4 महीने में बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं, लगभग 80-90%, तब उनको भरोसा होता है, अरे यार चलो उसी भीड़ में कम से कम कोई तो है ठीक ठाक काम कर रहा है। हाँ, फिर वही है ना, जिनके 10-20 साल पुराने हैं वो 5 मिनट लग जाते हैं उनको। लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं होती, बहुत सारे लोग उनके साथ उनके सा, मतलब सामने फेक काम कर चुके होते हैं, वही यूट्यूब पे वो देख के देखते हैं, 4 के पास ऑलरेडी जा चुके होते हैं, तो उनको 5वें पे भरोसा नहीं हो पाता ना भाई। वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, जो जेन्युइन काम कर रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, कि उनको पहले देखो ट्रीटमेंट देना तो बात की बात है, उसको बाद में उसको समझेंगे, पहले उसको यकीन दिलाना, उसके प्रॉब्लम को जेन्युइन बताना कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है और इस काम को करने से तुम्हारी ये चीज ठीक हो जाएगी। जब उसको इतनी बात पे भरोसा हो जाएगा ना, तब उसका 50% काम हो चुका है। अब जब उसको 50% काम हो चुका है, उसको भरोसा हो गया ना, तो अब जो 50% मेन प्रॉब्लम है ना, उस पर वो काम फिर करेगा, मन लगा कर आपसे काम मैंने करेगा। 10 दिन पहले बात की थी, आपने मुझे क्लियर कर दिया कि तेरे को इस दिन से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी तेरी, चाहे गैस है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे तेरा कुछ भी है, ठीक है ना, तो तुम आपने बोला कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो आप अपना ध्यान दो, बस ये करो और फिर आप ठीक होगे। और फिर उसके बाद मैंने 10 दिन हो गए, दस लेकिन दिन से पता है, पहले 10 दिन पहले मैंने बात किया था, इतने लोग आते हैं ना कि इतना ध्यान ही नहीं रहता किससे कब क्या बात हुई, बहुत लोगों का याद दिया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं भाई दिन भर में, वो तो 40-50-55-60 लोग, तो वो थोड़ा तो है मुश्किल होता है। वो तो है। फिर मैंने क्या कहते हैं कि मतलब वो पहले मैं बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखता था, कभी अच्छा कोई कोई कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मैं यार, मेरे को मतलब आधे से ज्यादा इन्फेक्टिव और डिप्रेशन बनते हुए इंसान को ये देख देख के हो जाता है, ठीक है ना। तो आपसे बात की तो ये जस्ट क्लियर वन थिंग कि ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें यहाँ से हो जाती है। फिर मैंने भी दिमाग से मामले समझा कि ये है क्या, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, तो ये दिक्कत तो ऐसी कुछ ना कुछ तो स्टार्ट हुई है ना, कि या तो मेरी मतलब जिम से ऐसी कुछ तो ना कुछ शुरू हुआ है, तो ये चीज़ करके देखते हैं। तो मैंने बस ये किया कि उसके बाद मैंने 10 दिन हो गए, मैंने कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं देखी, मैं ये अपना सारी चीज़ें काम तो कर मैंने रहा हूँ। तुमको शायद मना करी होगी, क्योंकि जब तुम आए होगे, गूगलिंग गूगलिंग करना बंद कर दो, हाँ 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 इंटरनेट आपने पे भी बोला सर्च था, करना बंद और कर दो, हाँ मैंने मैं उसके तुम्हारी बाद प्रॉब्लम ठीक कर ना दूंगा। ना मैंने इंटरनेट देखा, ना मैंने यूट्यूब देखा। उसके बाद मैंने एक चीज़ बना ली, एक अपना शेड्यूल बना लिया और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, बिजी रहना शुरू कर दिया और साथ में योगा करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें इसका क्या है, थोड़ा सा माइंड को भी अब इसमें आपको देखो, बिजी योगा रहना, भी शुरू होना कुछ भी बिजी नहीं योगा करना करोगे तो उसको। ठीक नहीं करेगा। अब ये भी देखो, हाँ बहुत सारे लोग करते हुए आते हैं मेरे पास, बोलते हैं भैया मैं 10 साल से कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसमें जो स्पेशल एक्सरसाइजेस है ना, इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइजेस को बोलते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करके तुम थोड़ी ठीक कर पाओगे कि अभी मैं जाता तब हूँ आधे लोग कुछ भी करने लग मेरा एक जाऊँ। हाँ मेरा ना एक मेरा एक दोस्त था, उसकी मतलब ना नाभि बड़ी अपसेट रहती थी, मैं वो बताता हूँ। तो वो इतना परेशान रहता था, मेरे अंकल थे तो बड़े परेशान रहते थे, उनकी मतलब नाभि ऊपरी रहती थी और उनको बड़ी डाइजेशन वगैरह वगैरह होती थी। तो मतलब उनसे मुझे थोड़ा आइडिया लगा भी हाँ ये चीज हो सकती है। तो वो ना पता क्या करते थे, अब वो कह रहे हैं यार मैं योगा भी करता हूँ। योगा पता है वो कौन सी करते थे, कपालभाति। अब कपालभाति अगर आप कपालभाति से नहीं फेस होगा, वगैरह, कपालभाति हाँ से देखो, जिनको नले की, देखो वो जिनको ऊपर नोवल रहेगी। डिस्प्ले से ऑलरेडी नले की प्रॉब्लम है ना, उसके हाँ लिए ये बहुत मुश्किल, वो और खराब करते हैं फिर। कपालभाति इसमें वो काम ही नहीं करता, अच्छा हाँ वो तो कमाल नहीं नोवल और करता, डिस्प्ले करता चला जाता है, ऊपर और और करता चला जाता है, डिस्प्ले एकदम टाइट कर और देता है टाइट बिल्कुल। कर देता है बिल्कुल। तो पर यही वो चीज ही है होती ना, है, इसमें इसके लिए स्पेशल थोड़ा सही होती है जानकारी इसलिए। देने वाला, सही गाइड करने वाला बंदा हो ना, तो आपको इस प्रॉब्लम से, अगर वो चाहे, अगर उसको सारी चीजें अच्छे से पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर वो चाहे तो तुमको उस प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकाल सकता है, बस हाँ अगला आदमी भी उसकी बात माने अच्छी तरीके से, तो बहुत आसानी से निकल जाओगे। जैसे मैं सटीक बंदा निकला, आप भी सटीक आदमी हैं तो निकल गए इतने। तो ये केवल खासकर आप ही की स्टोरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज ठीक होते हैं, 10-12-13 कॉल डेली आता है कि भैया बहुत आराम है भैया मैं, कोई कोई तो ऐसा बोलता है जिनका 3-3-4-4 महीना हो चुका होता है, मतलब जो 10 साल 12 साल से परेशान है, कि भैया आज ऐसा लग रहा है कि पूरा खत्म हो गई, पूरी दिक्कत, एकदम फुल एनर्जेटिक हूँ, सारा कुछ बढ़िया है। तो ऐसा लोग कॉल करके बता दो भाई ठीक हो गए, ठीक हो गए, अब क्या कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जिस काम के लिए आए थे तुम मेरे पास, वो मकसद तुम्हारा पूरा हुआ। वही है ना, ये योगा नहीं छोड़नी, मतलब ये चीज है ना, योगा
जो है, पर वो जो आपने बताई है कि यही चीज जो है जो मैंने हम बताई लोग है कर तुम्हारे सकते हैं। सिंगटम, पहले हाँ मैंने तुमको वीडियो कॉल शायद किया था कि नहीं किया था उस टाइम, तो उसमें मैंने देखा होगा कि तुम्हारे इस जगह पे इस तरीके के प्रॉब्लम है। उसके आधार पे हम लोग सारे एक्सरसाइजेस डिसाइड करते हैं कि ये सारे के सारे इसमें पूरी हेल्प करेंगे आपकी, एकदम सटीक पूरी हेल्प। तब वो जाकर ना अपना रिजल्ट दिखाना शुरू करता है जल्दी से। अब यहाँ पर लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह करो ठीक हो जाएगा। अब उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है भाई कि वो ठीक हो? अभी प्रॉब्लम पेट की है, वो एक्सरसाइज पीठ की कर रहा है, पैरों की कर रहा है, हाथों की कर रहा है, गर्दन की कर रहा है, पीठ की कर रहा है। हाँ कुछ हो सकता है जैसे पेट की ही कर रहा है, कपालभाति करने लग गया, तो अब उसको उसमें कहाँ से वो ठीक होगा? लूज मोशन वालों को थोड़ा फायदा कर सकता है कपालभाति, थोड़ा फायदा, पूरा नहीं फायदा करेगा, क्योंकि जो मैंने तुमको वीडियो भेजा ना वो पूरा पैकेज ही है, उसकी के पूरा हिसाब से पैकेज सीरियल वाइज करोगे तो वो धीरे धीरे है। प्रॉब्लम जितनी पेट की एब्डोमेन सेटिंग है ना सब धीरे धीरे सेटिंग करता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा आपको ठीक कर देता है एकदम। अभी ना थोड़ा 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 ना, ये बस ऑयल ये थोड़ा सा टाइट ना, अभी दस टाइट साइड में रहता दस दिन है, 10 दिन तो हुआ ही है अभी, कहाँ उससे इतना। बस ये इस पे है। गौर करो कि कितना बेनिफिट हो गया तुमको अचानक से, वो तो है, मैं तो बोल रहा तो हूँ तुम वो सब परेशान चीज। नहीं हो, और तुम्हारा वो भी हम ठीक कर देंगे। बस मास्क तुम 1 महीना के लिए बस रुको, बस मास्क। हाँ वो कोई बात नहीं, मिलना तो अभी और कर कोई लेंगे। सवाल हो मिलना तो क्या है बताओ, वैसे, क्योंकि तो सवाल तो थोड़ा एक ही मैं है। बाहर ही हूँ ना इस वजह से। हाँ एक थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, जो गैस है ना हाँ वो उसके लिए ना जो तुमने बताया उसके लिए शाम मैंने, को तो बनती है भैया, तुम मतलब चाय चाय वगैरह पीना बंद कर दो, और तुम ओके, जीरे का पानी पीना शुरू कर दो थोड़ा। मतलब ना जैसे भैया सुबह उठता हूँ मैं, सुबह उसके बाद खाना खाता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ, मतलब इनकी क्या कहते हैं ना कि वो 5 बजे के बाद गैस बनती है, उसके पहले नहीं बनती, मतलब उससे पहले मैं ठीक रहता हूँ, 5 बजे के बाद फिर बनती है थोड़ी सी रात तक, उसके बाद नहीं बनती, बस यही है थोड़ी सी गैस, और ऊपर चढ़ती है वो गैस कोई कभी दिक्कत ऊपर नहीं है, आ रहा वो है फिर। उसमें तुमको अचानक से भी 5-10 दिन बाद देखोगे ना, हो सकता है वो सब खत्म भी हो जाए। हाँ वो तो है, चलो और ठीक है, हम मजबूत है ये। क्योंकि थोड़ा मार्केट में हूँ मैं, फिर कोई से बात तुमसे नहीं, ना कोई बात पूरा कंप्लीट कर लो, तो फिर मैं तुमको कॉल करता हूँ। हाँ, 20 दिन के बाद करते हैं ये बात, ठीक, 20 दिन कंप्लीट कर लो पहले। ठीक है।